नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज में। आपसी कलह और घर में मतभेद आदमी की जिंदगी को बद से बदतर कर देता है। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी हरिद्वार में देखने को मिला, जहां बहू और बेटे की लड़ाई में एक पिता ने अपने बेटे को संदिग्ध मौत में खो दिया है। आपको बता दें कि हिम्मत सिंह, जो देश की भारतीय सेना में अपनी सेवा देकर अपनी दिनचर्या आजकल अपने परिवार के साथ बिता रहे थे, अपने बेटे की अचानक मौत से हिम्मत सिंह की हिम्मत भी जवाब दे गई है, क्योंकि उनके बेटे अनिल थापा भी देश की सेवा में सेना में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। पेश है हरिद्वार से आदित्य शर्मा की एक रिपोर्ट। यहाँ आने नहीं देती थी उसको। वो आता था जबरदस्ती से, कभी आ गया मेहमानों की तरफ आता था, मेहमानों की तरफ जाता था। वो उसकी घरवाली बहुत लड़ती झगड़ती थी उससे। हम रायवाला से, रायवाला पहुंचे हम, उन्होंने फोन करा बाद में, कितना 10 साढ़े 10 बजे फोन करा था हमने। इसकी शिकायत आपने किससे की? रायवाला थाना में लेके गए थे, वही लोग लेके गए थे। हाँ, उन्होंने तो हमको दिया भी नहीं। मेरे को मारा उसने, गाड़ी से गला पकड़ा, कपड़े फाड़ी, धक्का दिया, नीचे गिर गई थी मैं। गाड़ी के अंदर मैं घुस रही थी, जैसी आने नहीं दिया उसने हमें। बाद में लड़की आने लगी, लड़की का कपड़े फाड़ रखे हैं। थाने में तो वो लोग ले जा नहीं रहे थे, ये जबरदस्ती से लेके गए। उनके बहुत सारे उनसे कार्रवाई चाहते हैं। ठीक है, माँ बाप काफी परेशान रहते हैं, फिर हम उनके सहायता के लिए अपना पड़ोस से जब भी कोई जरूरत होती है, कोई दवा बीमारी अगर डॉक्टर के पास भी ले जाना हो तो हम आ जाते हैं। फिर एक दिन सूचना आई कि अनिल भाई की प्रॉब्लम है और आप लोग रात को आ जाओ। जब डेड बॉडी को हम फिर शमशान घाट ले गए यहाँ से, और जब हमने भी वहां शमशान घाट में नहलाया तो हमने देखा पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी। फिर मैंने सुनील भाई से कहा, मैंने कहा अभी भी चांस है, अगर तुम शमशान घाट पे जलाने से पहले अगर रोक सकते हो और पीएम करा सकते हो तो करा लो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या असहाय था मेरा भाई, रो रहा था, दुखी था, ना किसी की बात सुन पा रहा था, इतना ज्यादा दुखी था। इनके पिताजी भी इतने ज्यादा दुखी थे कि कोई भी किसी तरह की बात सुनने में असमर्थ थे। बेटे जी, हमने जो है, हमें एक तो गुमराह करा गया और हमें इसके बारे में जो है, बच्चा सवेरे से ही परेशान, रात से परेशान, और हमें इसी सूचना नहीं दी गई। और उसके बाद में मरने के बाद हमें खबर दी गई कि तुम्हारा बेटा बीमार है और तुरंत यहाँ पहुंचे। उसके बाद में जो है, वहां से हम वहां पहुंचे तो 2 घंटे बाद सब ले गया है, ये बता दी कहाँ से लाए, और कहने लगे इसको हार्ट अटैक है। और हमने हर डॉक्टर से जांच करवा ली, कोई भी डॉक्टर कहता है कि हार्ट अटैक में ऐसा कुछ नहीं है, ना इसको हार्ट अटैक की कोई बीमारी थी। और उसके बाद में जब उन लोगों ने हम पोस्टमार्टम में कहा तो उन लोगों ने वहां पर ड्रामा शुरू कर दिया। उन लोगों के जो है कई लोग आ गए, कई लोग वहां पर आने पर उनका जो है थाने पर बड़ा उनका कब्जा हो गया। वहां उनके लोग आ गए और हम 2-3 जने थे और हमारे को बिल्कुल ही वहां भी उन्होंने जी एक हमारे पास एक शिकायत पत्र हाल ही में आया है कि एक अनिल थापा करके जिस व्यक्ति का मौत हुआ, संदिग्ध जगह का शिकायत पत्र है ये। हालांकि उस समय में ऐसा कुछ वारदात नहीं हुआ है। उस शिकायत पत्र का विस्तृत जांच मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद आपको मिल जाएगा।